वहीं प्रदेश की ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ऊर्जा संरक्षण दिवस 2019 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रमाशंकर पटेल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने इसी कार्यक्रम को लेकर रमाशंकर पटेल से खास बातचीत की, सुनते हैं। आइए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री ऊर्जा रमाशंकर पटेल जी हैं, जिनसे जानते हैं। सर, ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आप यहाँ आए, क्या कुछ है और किस तरह का ये आयोजन? ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है और काम के प्रति बहुत लगन से पूरे प्रदेश ने देश में, क्योंकि सोलर की बहुत आवश्यकता है। आज हम प्रदेश में जो सप्लाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सोलर का भी भागीदारी लंबा है, और गांव जब तक सोलर का हम प्रयोग नहीं करेंगे, गांव को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसे कई प्रकार के लाभ हैं, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोलर इस समय प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता से लेकर के गांव में, जैसे सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम जहां हम लाइट नहीं पहुंचा रहे हैं, सोलर के माध्यम से हम उनको पूरी लाइट भी दे रहे हैं। किसानों को 3 HP, 5 HP, 2 HP के पंप भी लगा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से लग रहे हैं। अब किसान हम देख रहे हैं, गांव में हम लोग किसान परिवार से भी है, गांव में किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन में आराम से पूरी सिंचाई, भरपूर सिंचाई करता, रात भर अपना घर में परिवार के साथ सोता है। लेकिन निश्चित रूप से सोलर के क्षेत्र में सरकार लंबा काम की है। सर, सोलर को लेकर किस तरह से ग्रामीण अंचलों में कैसे किसानों को उनको लाभ पहुंचेगा और कैसे क्या कुछ छूट भी मिलेगी उनको सोलर में? बहुत लंबा छूट मिला है ना, हम 70%, 50% से लेकर के हम 70% 90% तक छूट दे रहे हैं। आज हमारे जो पंप 72,000 को मिलते थे, हम 43,000 में उत्तर प्रदेश सरकार दे रही, तो किसानों को सरकार बहुत लंबी छूट दे रही है, जिससे किसानों का बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र बना है और तेजी से सोलर पंप गांव में लग रहे हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं सोलर से ग्रामीण में किसानों को एक नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। कैमरामैन इस्लाम के साथ उमेश मित्रा, लाइव।